बच्चों, कैसे हो सब लोग? होप सो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और गर्मियों की छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे हो साथ साथ, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अभी तक हमने लाइफ प्रोसेस में स्टमक तक हमने पढ़ लिया है। मैंने आपको बता दिया था कि बकल कैविटी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद हमने फूड पाइप इसोफेगस के बारे में पढ़ा। स्टमक के चार रीजन होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर के ऊपर भी हमने बात की है। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अब बेटा, बकल कैविटी माउथ, माउथ के बाद आ गया आपका इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद अब आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल एक्चुअल में नहीं है, वो कम से कम 20 फुट लंबा होता है, 20 फीट लंबा है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, वो तकरीबन 1.5 मीटर का है, कम है उससे, बहुत छोटा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कर रहे हैं? बेटा, लेंथ के हिसाब से नहीं रखा गया इनका नाम। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए स्मॉल है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो कम है। मान के चलो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पतली सी पाइप है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्यों लार्ज है? लार्ज इंटेस्टाइन की जो पाइप होगी बेटा, वो थोड़ी मोटी होगी, है ना, बड़ी होगी। उसका सरफेस एरिया, जो अंदर उसका जो रेडियस है, ठीक है, वो बड़ा होगा, ठीक है, एरिया बड़ा होगा, इसलिए वो लार्ज इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों स्मॉल है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए स्मॉल है क्योंकि उसका जो डायमीटर है, अंदर का जो एरिया है, वो कम है, वो पतली सी पाइप है। क्लियर? तो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या लिखा है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमन। लगभग 20 फीट लंबी होती है ह्यूमंस में, और एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है। इट हैज रीजन, और स्मॉल इंटेस्टाइन को बेटा बांटा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन्स में बांटा गया है। सबसे पहला जो रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो जस्ट स्टमक के बाद आता है, जो कि सी शेप का होता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं जेजुनम। एंड जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, उसे हम बोलते हैं इलियम। तो पहला है ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम, एंड थर्ड इज इलियम। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या है, क्या लिखा है इसमें। इट हैज रीजन ड्यूडेनम द रीजन विच फॉलो स्टमक, जो स्टमक के जस्ट बाद है। जेजुनम इज द मिडल पार्ट, जेजुनम जो है वो बीच का पार्ट है बेटा, मिडल पार्ट है। एंड इलियम इज द लेटर रीजन विच कंटिन्यू फर्दर इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो आगे जाके बाद में किसमें फ्यूज हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में फ्यूज हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो, द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इन टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो बच्चे, जो अंदर की सरफेस है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, फॉर एग्जाम्पल देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने क्या किया, ये एक पाइप है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने बीच में कट लगाया। मैं इसको जब खोलूंगा तो अंदर से क्या दिखेगा, अंदर से छोटे 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 बाहर की तरफ उभार हैं। कैसे मैं आपको समझाऊं, तो आपके घर में टावल है ना बेटा, टावल के ऊपर देखा आपने छोटे 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 वो उभार बाहर की तरफ जो होते हैं, ब्रिसल्स जिन्हें हम बोलते हैं, उससे क्या होगा, उससे बेटा सरफेस एरिया बढ़ता है। ये विलीज जो है ना, ये विलीज रेस्पॉन्सिबल है स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्यों सरफेस एरिया बढ़ाना है? सरफेस एरिया बेटा इसलिए बढ़ाना है क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन होनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पे एब्जॉर्प्शन का रेट भी ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है न्यूट्रिएंट्स की। यहां तक तो आपको क्लियर है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो ए कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लिवर ओपन इन टू द ड्यूडेनम। अब देखो ड्यूडेनम में क्या आ रहा है बेटा, ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम में अगर मैं आपको बताऊं, तो ड्यूडेनम में अगर तुम देखो, ड्यूडेनम में क्या हो रहा है कि स्टमक के बाद जस्ट, अभी मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो आप ये यहां पे देख लो बेटा, यहां पे डायग्राम बनी हुई है, अदरवाइज मैं दिखाई देता हूं एक बार आपको ना डायग्राम बना के, तो आपको ज्यादा समझ आएगा बेटा, ध्यान से समझना इसे। ये देखो बच्चे कैसे हम बना रहे हैं, ये ऊपर से आ गया, ये बेटा बक्कल कैविटी, ये इसोफेगस, ये
ये बक्कल कैविटी आ गई, ये इसोफेगस आ गया, इसोफेगस के बाद बेटा ये आ गया आपका स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद जो ये सी शेप बना ना, ये जो कर्व आ गया, ये है बेटा ड्यूडेनम, ठीक है। ये स्टमक आ गया और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको हमने बोला ड्यूडेनम, ठीक है। ये सी शेप जो पार्ट है ये है ड्यूडेनम। अब इस ड्यूडेनम में क्या है, तो मैंने आपको बताया कि इस ड्यूडेनम में क्या लिखा हुआ है। इस ड्यूडेनम में यहां पे बेटा, यहां पे इस ड्यूडेनम में क्या होगा, देखो ध्यान से, ये यहां पे पैनक्रियाज की पाइप है, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये बाहर पैनक्रियाज है बेटा, ये पैनक्रियाज ग्लैंड होती है, ठीक है। ये पैनक्रियाज की ग्लैंड आ रही है, पैनक्रियाज की जो पाइप है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये आ रही है, और यहां ऊपर से लिवर की डक्ट आ रही है, ये लिवर की डक्ट आ रही है, और लिवर की डक्ट कहाँ फ्यूज हो रही है, पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज से सारी सेक्रीशन कहाँ जा रही है अल्टीमेटली, वो जा रही है ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में क्या जा रही है, सेक्रीशंस जा रही हैं सभी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन, जितनी भी केमिकल डाइजेशन है एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन तो केमिकल डाइजेशन कहूंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में दो तरह की डाइजेशन होती है, पहली मैकेनिकल होती है और फिर केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ हो रही है, हमारे माउथ में, हम फूड को चबा रहे हैं। उसके बाद सेकेंडली कहाँ पे होती है, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ तीन दिए हैं बेटा, इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें ऑप्शन एक गलत हो गया है, वही तो आंसर था बेसिकली 20 फीट, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस के आप आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। 3 MCQs हैं, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन पे बेटा। क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो देखो अब ये लार्ज है, मैंने बता दिया कि डायमीटर में लार्ज है। देखो अब इसकी लेंथ कितनी है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग, सिर्फ 5 फीट। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है, 20 फीट, लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा होने के बावजूद स्मॉल, और लार्ज इंटेस्टाइन इतना छोटे होने के बावजूद लार्ज, बात डायमीटर की हो रही है, बात उस पाइप के मोटाई की हो रही है, उसके अंदर कितनी जगह है, कितना एरिया है, उसकी बात हो रही है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर का डायमीटर बहुत ज्यादा है इसलिए वो लार्ज है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए उसका जो डायमीटर है वो क्या है, वो कम है। अगर हम इसको दूसरे तरह से देखें ना, तो जो वो लार्ज इंटेस्टाइन है ना बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऐसे अगर लॉन्ग देखें तो लॉन्गेस्ट पार्ट है, वो लॉन्ग है सबसे ज्यादा, लेकिन डायमीटर के बेसिस पे जब हम आ जाते हैं तो वो छोटा है। तो डायमीटर के बेसिस पे नाम रखा गया, लेंथ पे नहीं, लेंथ के ऊपर नहीं, ठीक है। लेंथ के ऊपर अगर देखें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन है, सबसे लंबा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है बेटा, इट हैज टू रीजन, इसमें दो रीजन है, एक इसमें बेटा कोलॉन होता है और इसमें एक रेक्टम होता है। कोलॉन जो है वो लगभग 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर का होता है, और रेक्टम जो है 10 सेंटीमीटर का होता है इन लेंथ इन द एडल्ट, एडल्ट में 10 सेंटीमीटर का रेक्टम होता है। द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम इज कॉल्ड कोलॉन। अब देखो इलियम के बाद, इलियम के जस्ट बाद, इलियम क्या था, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आगे जाके किसमें जुड़ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब इलियम कहां जुड़ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या आ गया बेटा, तो यहां पे लिखा हुआ है इसमें, इट हैज टू रीजन, कोलॉन एंड रेक्टम, ठीक है। द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम इज कॉल्ड कोलॉन, तो कोलॉन में है ये, ठीक है। व्हाइल द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअल में बता देता हूं कि कैसे आप इसको डायग्राम से फिर से हम समझेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को भी, बच्चे जो मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा कंसेप्ट देखो कैसे, ध्यान से समझना। देखो बेटा ये है हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आ गया, ये अपेंडिक्स आ गया, ये बेटा आ गया हमारा रेक्टम, ठीक है। अब देखो इसकी लेबलिंग करता हूं मैं, लेबलिंग से आपको समझ आ जाएगा। यहां पे देखो बच्चे ये है ना,
यहाँ पे ओपन हो रहा है कौन, लास्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका इलियम, ये बेटा इलियम है, ये इलियम वाला पार्ट है, ठीक है, ये इलियम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट, जो लास्ट पार्ट है ये ओपन हो रहा है कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बोला आपको दो रीजन है, एक कोलॉन है और रेक्टम है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कोलॉन रेक्टम नहीं, आप ऐसे याद रखो, ये है बेटा सीकम, फर्स्ट पार्ट है, ये है सीकम, फिर उसके बाद ये आ जाता है, जो ये आ जाता है कोलॉन पूरा, कहां से कहां तक, ये कोलॉन है बेटा, ये भी कोलॉन है और ये भी कोलॉन है, ठीक है। अब देखो ऊपर जा रहा है तो बोलेंगे असेंडिंग कोलॉन, ठीक है, सीधा जा रहा है तो बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन, नीचे की तरफ आ रहा है तो बोलेंगे डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया रेक्टम। यहां तक क्लियर है? तो क्या क्या हो गया बेटा इसमें, एक तो आ गया असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन। तो क्या काम है बेटा आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम है, यहां से वाटर की सिर्फ रीअब्सॉर्प्शन होगी, यहां पे फीसिस बनता है, ठीक है, जो हम पास आउट अपना, जो हम मॉर्निंग में जाके जो वेस्ट को बाहर निकालते हैं, वो कहां से, यहीं से, यहां से ट्रेवल हो रहा है वो सारा आगे की तरफ, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, ये और रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसे डेफिकेशन बोलते हैं बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किसी तरह की डाइजेशन होगी, तो नहीं होगी। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह की एब्जॉर्प्शन होगी, न्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी और कुछ साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन यहां से होती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ गया होगा, तो चलो आगे समझते हैं क्या लिखा है अब आपके यहाँ पे नोट्स में। अब हम रीजन्स पे बात करेंगे। कोलॉन हैज थ्री रीजन, तीन रीजन है कोलॉन के, असेंडिंग कोलॉन मैंने बता दिया आपको, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन। एट द बेस ऑफ द असेंडिंग कोलॉन ए स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ इज सीन एंड इज कॉल्ड एन अपेंडिक्स, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं बेटा। जो मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया ना, ये देखो ये जो छोटा सा बना ना बेटा, ये है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अब ये ह्यूमंस में वेस्टिजियल ऑर्गन में कंसिडर किया जाता है, बट पहले कभी हम जब अर्ली मैन हुआ करते थे तब हम घास वगैरह खाते थे, तो सेलुलोज की डाइजेशन में बेटा ये काम आता है, मतलब कच्चा जो हम रॉ वगैरह खाते थे पहले, तो सेलुलोज की डाइजेशन में ये काम आता था। अब तो हमको मतलब सेलुलोज थोड़े तो पका पकाया खाना खा रहे हैं, तो अब हमें इसकी खास जरूरत नहीं है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन में कंसिडर किया जाता है। अब है इसके बाद, इट हाउसेज मैनी यूजफुल बैक्टीरिया, ये जो अपेंडिक्स के बारे में लिखा है कि इसके अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, वही सेलुलोज की डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है बेटा रेक्टम, रेक्टम ओपन्स टू आउटसाइड बाय एनस, रेक्टम अब ओपन होगा, रेक्टम अंदर से अब बाहर की तरफ जो ओपनिंग दिखेगी ना हमें, बाहर से जो ओपनिंग दिखती है उसे हम एनस बोलते हैं, तो एनस है। द एनस हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एनस के अंदर दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है थोड़ा अंदर होता है और एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है बेटा, ठीक है, ये दो स्फिंक्टर होते हैं। अब फिर से दो तीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनका आंसर आप कमेंट्स में दे देंगे, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा कि खाना जो है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ चल रहा है, फूड के तो उसके मतलब पेड़ थोड़ी है कि वो चल रहा है, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा बेटा। वहां पे क्या है कि मसल्स का काम है, एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स है ना वो बार बार कंट्रैक्शन कर रही है, मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से पेरिस्टाल्सिस समझाया है, तो बार बार उन मसल्स का सिकुड़ना खुलना सिकुड़ना खुलना, उसकी वजह से फूड पार्टिकल जो है आगे की तरफ चलता है, आगे की तरफ से धक्का लगता है। तो देखो क्या लिखा है पेरिस्टाल्सिस में, ए कॉन्स्टेंट वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल राइट फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इसोफेगस से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ एक डायरेक्टली वेव लाइक कंट्रेक्शन, जो कंटिन्यूस वेव लाइक कंट्रेक्शन चल रही है, उसकी वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस, मैंने बता दिया कि पेरिस्टाल्सिस किस वजह से होता है, मसल्स की वजह से होता है। दिस मूवमेंट हेल्प टू पुश द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, इसी की वजह से फूड जो है आगे की तरफ बढ़ता है। अब जो आपके सामने ये डायग्राम है बेटा, ये पेरिस्टाल्सिस की डायग्राम है, देखो किस तरह से खाना जो है नीचे की तरफ उतर रहा है, यहाँ पे देखो ये फूड पार्टिकल गया है, यहां से कंट्रेक्शन लगी मसल्स की, फोर्स लगी, खाना नीचे की तरफ उतरा, फिर थोड़ा नीचे उतरा खाना, फिर यहां से फोर्स लग रही है, फिर खाने को नीचे उतारा जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, जिसमें खाने को धीरे धीरे नीचे की तरफ धक्का दिया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है बच्चा, पढ़ते रहो, मजे लो, है ना, मजे से पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करो और मजे के साथ भी कंप्रोमाइज मत करो बेटा, यही दिन है पढ़ाई के और यही दिन है खेलने के भी, है ना।
तो एंजॉय भी मजे से करो, ज्यादा जितना हो सके फिजिकल जो गेम्स हैं, जो जिसमें फोन पे ज्यादा गेम मत खेलो, ग्राउंड पे जाके जो ग्राउंड पे आप गेम्स खेलते हो उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट करो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।